guys, welcome to the first episode of our travel series Glowing in Goa, where we just attempt to answer this question कि हम बार बार गोवा क्यों आते हैं। Abhijit and welcome to yet another Goa vlog series. हम लोग इससे भी पहले बहुत सारे गोवा ब्लॉग सीरीज किए हैं इस चैनल पर और पुराने फूड ब्लॉग चैनल पर भी. एंड गोवा आने से कभी मन भरता नहीं है, बार बार आने का मन करता है. सो वी आर हियर अगेन. रीजन नंबर वन, मे बी इट्स द स्माइल. गोवा का सिर्फ नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है. काफ़ी बार देखा है बहुत सारी गायें रहती है एंड काइंड ऑफ अच्छा लगता है. मतलब शायद यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग ने होटल के नज़दीक भी देखे हैं बहुत सारी गायें. और हो सकता है यहाँ पे काफ़ी शांति है तो हो सकता है शांति में क्रांति भी वो करती रहे. गाय, और अभी यहाँ पे फॉरेनर गाय का पूछ रहा था, उनके लिए शायद कुछ अलग रहेगा. एक्चुअली हमें भी ऐसा अलग ही लग रहा है, मतलब बीच पे ऐसे गाय भी मस्त एंजॉय कर रही है एंड काफ़ी अच्छा वाइब है. एंड वी आर एब्सोल्युटली लविंग अगोंडा बीच. गोय गाय, गोय गाय, गोय गाय. Number 2. Maybe it's the chill vibes, the slow living. When in Goa, there is no need to fill your itinerary with too many places. Bas beach side kuch din guzarne se bhi kafi wholesome lagta hai. Goa definitely has healing vibes. अभी थोड़ी देर में लंच, सॉरी डिनर टाइम होने वाला है एंड काफ़ी सारे शैक्स है यहाँ पे एंड वील हैव डिनर इन वन ऑफ देम. रीजन नंबर 3, इमेजिन कि आप समुंदर के सामने बैठे हो, यू आर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ वेव्स, एंजॉयिंग डिलीशियस फूड एंड देन देयर इज डिम लाइट ऑफ द कैंडल एंड योर फीट आर टचिंग द सॉफ्ट सैंड्स. This is absolute beach therapy. So this is the first
होटल दैट वी स्टेड नियर अगोंडा बीच. हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो. खाने लगे हैं. डिटेल में देखना है तो गोवा का फूड ब्लॉग देखना ज़रूर. हम लोग लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में. और हम लोग आज कहाँ खाना खाने वाले हैं बताती हूँ. रीजन नंबर 4, मे बी इट्स द लेजी आफ्टरनून्स दैट आर सो रिफ्रेशिंग. On this day, we had our lunch at this beautiful restaurant named La Dolce Vita. For more details, do check out the Goa food vlog on our first channel. बी लग रही हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मधुमक्खी. मधुमक्खी अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रोन उड़ाने. होपफुली वेदर है वो सपोर्ट करेगा. देखते हैं इधर इधर ना. देयर इज द बीच. This is Agonda Beach during daytime. Thank you.
Reason number 5. Maybe it's the ocean slabs. Just like this. करने का मन है तो यहाँ पे लगभग 90% ऐसे बीच हट हमें दिखे जो बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे हैं, बेटर देन फोटोज आई वुड से, ओके, जिसके हम लोग ने फोटोज़ देखे थे पहले गूगल पे और किसी भी ऐप्स पे, तो उसे कई अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली आके हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताता हूँ वो रामा शैक्स है, ओके, रामा रिजॉर्ट्स है जो भी, और उसके बाद वहाँ पे भी कई सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो बीच फ्रंट है, और इसे पिस्टीन बीच के ऊपर आपको सनसेट देखने का अगर मौका मिल रहा है वो भी आपके रूम से, रूम के बालकनी से, या वही तो बोला, रूम से सनसेट देखने का मौका मिल रहा है तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, अर्ली बुकिंग कीजिएगा। थैंक यू। सो गाइज, दोज वेयर जस्ट अ फ्यू रीजंस व्हाई वी फील वी कीप कमिंग बैक टू गोवा। We would love to hear your reasons why you keep coming back to this gorgeous paradise in India. If you loved this video, then do not forget to subscribe to our channel and we will see you in the next one. Goodbye.